तो चलिए आइए करते हैं एक और अनबॉक्सिंग। और ये मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था बहुत पहले, और अब जो है अब भी आप इस ड्रेस को खरीद सकते हैं। अमेजोन में ये अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे है, मीशो पे है, आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, और लेने के बाद आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैंने क्या ले लिया। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सेल मैंने ऐसे ही लिख दिया था, स्टिकर ऐसे ही लगा दिया। तो चलिए आइए देखते हैं। ये एक येलो कलर का ड्रेस है, जब मेरा आई थिंक 2 महीने का बेबी था तब मैंने ये ड्रेस मंगवाई थी। ये 2 महीना हुआ था तब मैंने ये ड्रेस मंगाई थी। मैंने एक्सेल मंगवा ली थी क्योंकि उस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, राइट, इसलिए मुझे एक्सेल की ज़रूरत थी, और मैं ढीले कपड़े पहनती हूँ तो फिर इसलिए मैंने एक्सेल मंगवा लिया। और ये रियली अभी जो है मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद है। इसका आप मतलब इसका स्कर्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बस इसका जो ऊपर वाला मटेरियल है वो कॉटन ही है, लेकिन थोड़ा बहुत रेयन मिक्स है मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत जल्द रुक रुक ही हो गया। बाकी ये जो देखिए गोटा पट्टी का वर्क किया गया है इसमें बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो ये प्रिंट बनाया गया ना गोल गोल, ये मुझे लगा था कि शायद ख़राब हो जाएंगे, लेकिन धोने के बाद ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुए, ये वैसे ही ऑसम लगते हैं। और मुझे लगता है ये रेयॉन मटेरियल है, ये ऊपर का थोड़ा सा रेयॉन मिक्स और कॉटन मिक्स है, अदरवाइज़ अच्छा है मटेरियल, सूती ही है, लेकिन ऊपर का जो वो गोल गोल बना हुआ है वाइट कलर का वो थोड़ा सा अजीब है। मतलब वो ऐसा लगता है ना कि वो प्रिंट किया हुआ है, ऐसा प्रिंट जो ऊपर से स्केच टाइप वैसा कुछ प्रिंट है। अच्छा है कपड़ा तो बहुत अच्छा है, मतलब एकदम सॉफ्ट, एकदम कॉटन टाइप कॉटनी, और इसका स्टिचेस भी मुझे बहुत अच्छे लगे। जनरली लोग कहते थे फ्लिप का जो क्लब फैक्ट्री है उसके स्टिचेस अच्छे नहीं होते, लेकिन इसके बहुत अच्छे थे, और मुझे बहुत ही रियली बहुत पसंद आया। और सारे स्टिचेस अच्छे हैं, गोटा पट्टी का वर्क अच्छा लगा, और इसका ऊपर का पूरा ड्रेस मटेरियल मुझे बहुत 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 पसंद आया। लेकिन कुछ टाइम बाद ये इतना अच्छा नहीं रहा जितना कि स्कर्ट और इसका दुपट्टा। इतना सॉफ्ट, इतना बढ़िया, इतना अच्छा कॉटन का मटेरियल है ये। ऊपर देखिए फीता है, इलास्टिक इन्होंने डाली हुई है, बहुत ही अच्छी इलास्टिक, मतलब आपको कहीं भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा इस इलास्टिक से। एक होती है जो मतलब टाइट हो जाती है, वैसा कुछ नहीं है इसमें। बहुत खूबसूरत ये स्कर्ट मुझे लगा, इतना बढ़िया मटेरियल है कि आज भी मैं इसे पहनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत ही कलर बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही खूबसूरत। इसमें एक मतलब चिड़िया रहती है वैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। और ये देखिए इसका जो अब तक ये खुला नहीं है, ये जो स्टिचेस हैं ये अब तक खुले नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। ऊटू अभी बहुत बड़ा हो गया है, मतलब बहुत बड़ा क्या, 1 साल 7 महीने का हो गया है, और फिर भी ये स्टिचेस नहीं खुले हैं। और दुपट्टा, ओ माय गॉड, दुपट्टा का तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, एकदम रियल कॉटन है, बिलीव मी, आप कभी भी मतलब दुखी महसूस नहीं होंगे कि क्या ले लिया मैंने, बहुत खूबसूरत ड्रेस है। ऊपर का मटेरियल की मैं स्पेशली बात करूं तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे धोया तो मुझे लगा कि ये जो प्रिंट है गोल गोल का वो ना निकल ही जाएगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम धोया, मेरे पास तो वॉशिंग मशीन है नहीं, मैंने हाथ से धोया था, तो ये जो है प्रिंट ये रहा था, और ये इतना मतलब मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो थोड़ा सा ये करने से ही हट जाता। लेकिन इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं है कि बहुत जल्दी है ना श्रिंक कर गया, मतलब श्रिंक कहने का मतलब थोड़ा सा सिकुड़ गया, और इसे आयरन करने की ज़रूरत है, राइट। रेयॉन मटेरियल मुझे ज़्यादा लगा ये। दूसरी बात, इसके अंदर देखिए आप प्रिंट जो ऊपर से दी हुई है, ये अंदर तरफ प्रिंट बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ऐसा लगता है ना ब्रश से किसी ने गोल 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 कर दिया हो, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, इतना पसंद नहीं आया मुझे ये ऊपर वाला जो बॉटम है। रियल और ऑनेस्ट रिव्यू मैं दे रही हूँ, मैंने खुद यूज़ किया हुआ है इसको, और काफ़ी ज़्यादा ना मतलब वो सॉफ्टनेस, वो मतलब आप जो कहते हैं वो रह नहीं गया। गोटा पट्टी वगैरह का वर्क अभी भी है उसमें, सब चीज़ कपड़ा वैसा ही है, लेकिन वो उसमें रुगी रुगी जो उड़ जाता है, वो हल्का हल्का जो कॉटन बाहर निकल जाता है वैसा कुछ हो गया, तो आई थिंक वो रेयॉन ही है मटेरियल। और ये जो है, ये स्कर्ट की बात की जाए तो मुझे स्कर्ट का एक एक चीज़ पसंद आया है इसमें। सिंपली आपका जो प्रिंट है वो आपको दूसरे कलर्स में भी ये स्कर्ट और ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन मुझे वाइट कलर बहुत अच्छा लगा,
व्हाइट कलर में, जो हल्का हल्का एक छीटा टाइप ना इस तरीके की डालियां बनी हुई हैं उसके अंदर, वो पिंजड़ा बना हुआ है, बहुत अच्छा लगा वो येलो कलर का, हल्का हल्का येलो, बहुत ही खूबसूरत मतलब ऑसम स्कर्ट मुझे इसके साथ लगा। और मटेरियल भी इतना बढ़िया है, इतना सॉफ्ट है कि आप ठीक है, रिग्रेट फील बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये मुझे 600-700 के आसपास ये मुझे ड्रेस मटेरियल उस टाइम पे, मतलब तो ये पूरा ड्रेस मुझे पड़ा था 600 में, आई थिंक ये 600 में कि 700 में पड़ा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और दुपट्टा तो आप गर्मियों में कभी भी पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप एज ए स्टॉल भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और रिकमेंड भी।